अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जब भी मैं अपनी फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम शो कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो इसी वजह से दोस्तों मैं अपनी फेसबुक को ओपन नहीं कर सकता। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा सोल्यूशन बताऊँगा, उसके मदद से ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना किसी स्किप के। सबसे पहले आप लोग अपने सेटिंग ओपन कर लीजिए। तो सेटिंग पे आ जाइए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा ऐप मैनेजमेंट, तो इस पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग पे आ जाइए, ऐप सेटिंग पे, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने फेसबुक को सर्च भी कर सकते हो या थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो यहाँ पर आपका जो फेसबुक है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस पर टाइप कर लीजिए, और इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश पर टाइप कर लीजिए। यहाँ से इसका जो डेटा है वो क्लियर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर पर आ जाइए। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए फेसबुक, तो इस पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद अपने फेसबुक को यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे फेसबुक में एक अपडेट आया था, तो फटाफट मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा फेसबुक अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पर सर्च बार पर आ जाइए, यहाँ पर वीपीएन लिख दीजिए। एक वीपीएन आपको डाउनलोड करना है, तो कोई भी वीपीएन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग अपने वीपीएन को यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ ही टाइम में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों दोबारा से फेसबुक ओपन कर लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा ही इंतज़ार कर लीजिए, इंशाल्लाह यह प्रॉब्लम आपको शो नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करें यहाँ पर। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक के अंदर जो प्रॉब्लम था वो 100% सोल्व हो चुका है और यहाँ पर मैं आसानी से अपनी फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूँ। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।